हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर दीप्ति मिश्रा और आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ओएसएमएफ है या फिर जिनका मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो चुका है। तो ओएसएमएफ के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप सुपारी या तम्बाकू का जो सेवन कर रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से बंद कर दें, तभी जो ये एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लिए लाभदायक होंगी। तो आइए जानते हैं कि ओएसएमएफ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है मसाज एक्सरसाइज। तो आपको मसाज करनी है। मसाज आपको कहाँ करनी है? ये जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे हमारी मास्टर मसल्स होती हैं। तो जो हमारी मास्टर मसल्स होती हैं वहाँ पे आपको धीरे धीरे मसाज करना है। जेंटली आपको इसको मसाज देना है। आज आप अंदर से भी फिंगर डाल के मसाज कर सकते हैं, इससे जो आपके फाइब्रस बैंड्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होंगे। दूसरा आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि आपको वाइडली अपना मुंह खोलने की कोशिश करनी है। जैसे कि जैसे मुझे तो ओएसएमएफ नहीं है तो मेरी माउथ ओपनिंग प्रॉपर है, लेकिन जिनको ओएसएमएफ होगा उनका जो माउथ ओपनिंग होगी वो बहुत ही कम होगी। तो वो धीरे धीरे कोशिश करें अपने मुंह को वाइडली ओपन करने की, धीरे धीरे आपका मुंह भी बड़ा खुलने लग जाएगा। तो आप कम से कम 5 से 6 सेकंड तक अपना मुंह वाइडली ओपन करके रखें। दूसरी एक्सरसाइज है आपकी बैलून एक्सरसाइज। आपको पता ही होगा जैसे कि आप बर्थडे में बैलून्स वगैरह फैलाते हैं, उसी तरीके से आपको बैलून फैलाना है। तो रोज़ आप कम से कम 1 से 2 बैलून फैलाइए, इससे भी आपके जो फाइब्रस बैंड्स हैं वो ब्रेक होंगे। और एक्सरसाइज है आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है आपको, आइसक्रीम की कुछ स्टिक्स लेनी है। जैसे कि अगर आपको ओएसएमएफ है तो आपके मुंह में कम से कम 5 स्टिक या 3 स्टिक्स जा सकती हैं। आपको उसको एक के ऊपर एक रखना है और अपने मुंह में डालने की कोशिश करनी है, कम से कम 5 से 6 सेकंड के लिए, ठीक है, वापस से फिर निकाल दीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी माउथ ओपनिंग थोड़ी थोड़ी बढ़े आप उसमें स्टिक्स ऐड करते रहें। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आती है हमारी चौथी एक्सरसाइज। वॉर्म वाटर को आपको अपने मुंह में डालना है और थोड़ी देर तक मुंह में डालकर इसको रखना है। कम सभी एक्सरसाइजेस आपको कम से कम 5 से 6 बार करनी है और दिन भर में 2 बार करनी है। एक्सरसाइजेज हैं ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, कम से कम 3 से 6 महीने या फिर कभी कभी साल भर भी आपको ये करनी पड़ सकती हैं, और धीरे धीरे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस जो कि आप ओएसएमएफ के केस में कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।